हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में अपन टाइफाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइफाइड के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ये वो ही पॉइंट होंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं और पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें टाइफाइड है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं टाइफाइड। टाइफाइड है वो क्या है? एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज है तो किससे फैलती है? ये बैक्टीरिया से फैलती है। बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरियल इलनेस है। इसमें ध्यान रखना, ये इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि टाइफाइड है। टाइफाइड को इंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। इंटेरिक फीवर तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेरिक फीवर का मतलब जो टाइफाइड है इसका एक अन्य नाम है इंटेरिक फीवर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो इसमें जो ऑर्गन है वो कौन सा मोस्टली इफेक्ट होता है? इंटेस्टाइन। जो पेशेंट की आते हैं इंटेस्टाइन है वो इसमें इफेक्ट होती है। तो ये किस ऑर्गन से रिलेटेड है? इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अपन ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं इसका जो पॉजिटिव एजेंट है। दोस्तों पॉजिटिव एजेंट का बार बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अपन ने देखा कि ये बैक्टीरियल इलनेस है। बैक्टीरियल इलनेस है तो कौन से बैक्टीरिया से फैलती है? तो ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से ये फैलती है। एक्चुअली साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैरा टाइफी दोनों प्रकार के बैक्टीरिया से ये फैलती है। इसके साल्मोनेला बैक्टीरिया के स्पीसीज है साल्मोनेला टाइफी और पैरा टाइफी। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, ये फूड पॉइजनिंग का भी एक कारण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वो भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसके बाद में ये साल्मोनेला टाइफी है वो किस प्रकार का बैक्टीरिया है? तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया के दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, दो प्रकार के भागों में बांटा गया है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो उसमें ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। उसमें ये ग्राम नेगेटिव टाइप का साल्मोनेला टाइप की बैक्टीरिया है, ठीक है? ग्राम नेगेटिव टाइप का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरीके से ये फैलता है? तो ये भी पूछा जा चुका है। फीको ओरल रूट है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फीको ओरल रूट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। सोर्सेस क्या है, इसके किस सोर्सेस से फैलते हैं? तो ध्यान रहे, ये गंदा भोजन और गंदा पानी, तो फूड और वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये फैलती है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये टाइफाइड फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसके साइन सिम्टम, स्पेशल इसके जो जनरल साइन सिम्टम आपको पता है, ये एक प्रकार की फीवर है तो फीवर आता है ना, और इसमें ब्रेडिकार्डिया होता है फर्स्ट वीक में, कॉन्स्टिपेशन होता है, और बहुत सारे साइन सिम्टम है जो आपको पता है। लेकिन अपन एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट इसमें मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये या आपको याद रखना है कि एक तो इसमें रोज लाइक स्पॉट होते हैं, ठीक है? और दूसरा है पी सूट डायरिया होता है। दोस्तों ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी बीमारी के। तो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी स्पेशल मतलब बीमारी में ही पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, स्पेशली उसी बीमारी में पाए जाते हैं जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स। तो इस टाइफाइड में स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या है? रोज लाइक स्पॉट है, पी सूट डायरिया। ध्यान रहे ये दोनों सेकेंड वीक में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट वीक में तो कॉन्स्टिपेशन है, तो सेकेंड वीक में डायरिया होता है। पी सूप, मटर के जो दाने हैं उसके सूप होता है उससे जैसा ही डायरिया होता है सेकेंड वीक में। ये दोनों साइन सिम्टम सेकेंड वीक में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं तो सीबीसी में क्या है, जो डब्ल्यूबीसी है
वो डिक्रीज होती है। ये एक प्रकार की ऐसी बैक्टीरियल इलनेस है, इसमें WBC कम होती है, यानी कि ल्यूकोसाइटोपेनिया होता है। ये तो आपको जनरल इसके बारे में पता ही है, इसमें फीवर आता है, ब्रेडीकार्डिया होता है और सेकंड वीक में ध्यान रहे टेकीकार्डिया होता है। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है कि इसमें टाइफाइड में क्या पूछते हैं कि कौन सा टेस्ट करवाते हैं। जो विडाल टेस्ट है ये कई बार पूछा जा चुका है, विडाल टेस्ट इसमें इम्पोर्टेंट टेस्ट है और ये करवाते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए, तो ये क्वेश्चन आता रहता है। अभी ध्यान रखना है कि ये कौन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से वीक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से वीक में ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है विडाल टेस्ट से। तो सेकेंड वीक है, सेकेंड वीक में इसका एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, सेकेंड वीक में एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा विडाल टेस्ट का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में। इसके बाद में इसका प्रिवेंशन है दोस्तों, इसमें क्या है, ये ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाके में फैलता है या फिर ट्रेवलिंग करते हैं तो ये फैल सकता है, और जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा होता है, साफ सफाई नहीं रहती है जिस इलाके में, वहाँ ये फैल सकता है। तो इस वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन के लिए। इसके अलावा आजकल इसके वैक्सीन भी चालू हो चुके हैं, तो वैक्सीन भी दिए जाते हैं टाइफाइड के, वैक्सीन में इसमें ओरली भी दिए जा सकते हैं और अन्य रूट से भी दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, वैक्सीन लाइव एटोनेटेड और किल्ड एटोनेटेड दोनों प्रकार के वैक्सीन दिए जाते हैं। वैक्सीन के बारे में अपन डिटेल अध्ययन वैक्सीन का जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या है, इसका ट्रीटमेंट बेसिकली आपको पता है ये कि कम्युनिकेबल डिजीज है, बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज है, तो बेसिकली एंटीबायोटिक दी जाती है। लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो ड्रग ऑफ चॉइस आपको याद रखनी है बस। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस में जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, यानी कि सेफ्ट्रिक जोन जो एंटीबायोटिक है, सेफ्ट्रियाक्स जोन, यह आपको याद रखना है, सेफ्ट्रियाक्स जोन एंटीबायोटिक है वो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। पहले दोस्तों इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरामफेनिकोल हुआ करती थी, लेकिन आजकल इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते थे, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्लोरामफेनिकोल, एप्लास्टिक एनीमिया क्लोरामफेनिकोल, तो ये आपको ध्यान रखना है उसको बंद कर दिया गया है। और उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम एप्लास्टिक एनीमिया किससे रिलेटेड है, तो कौन सी ड्रग से रिलेटेड है, क्लोरामफेनिकोल से, तो पहले टाइफाइड में दी जाती थी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस करें हैं इसमें, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, 5 से 28 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये टाइफाइड के बारे में अपन ने अध्ययन किया, इसके अलावा अपन देख सकते हैं इसके 2-3 और चीज़ याद रख लो कि इसकी अगर लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है टाइफाइड के, पेरिटोनाइटिस। इसके बाद में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, ठीक है, और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग ये इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकते हैं। ये पूछा जा चुका है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन किससे रिलेटेड है और पेरिटोनाइटिस, तो ये टाइफाइड से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है दोस्तों। ये अपना टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।